हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक ठाक होंगे। और आज हसीन सुबह के साथ ब्लॉग की शुरुआत। सोचा आज काफ़ी दिन से घूमने नहीं गया तो मैं चलो आज मॉर्निंग वॉक किया जाए। तो यह है बीजापुर और जो आपको ये हाईवे दिखाई दे रहा है, ये हाईवे बीजापुर टू सोलापुर, इस तरफ को पड़ता है सोलापुर, जिसमें कि मूवी देखी थी आपने, जब तो उसमें प्रेस राउल बोलता है हेरा फेरी में कि सोलापुर में उसके बाप की बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे शाम को रेस्टोरेंट है, शाम को चाउमीन चाट टिक्की वगैरह लगी रहती हैं। काफ़ी दिन बाद मौसम खुशनुमा हो रखा है, बारिश नहीं है, आज धूप भी आएगी, मौसम साफ दिखाई दे रहा, साफ ही है, बादल हट रहे हैं। तो और आपको ये यहाँ पे जो इधर यहाँ पे बच्चों का साइकिलिंग स्पोर्ट्स, बच्चे साइकिल की ये बच्चे साइकिलिंग का एडमिट साइकिलिंग सीखते हैं, साइकिलिंग की तैयारी करते हैं। आप देख रहे हो पूरे और भी आ रहे हैं बच्चे, और आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे साइकिल की प्रैक्टिस साइकिलिंग करते हुए। तो चलो काफ़ी बच्चे हैं, चलो अब आके दिखाता हूँ आपको। इस पर अभी कुछ दिन पहले काफ़ी आम लगे हुए थे, हमने भी काफ़ी उठा कर खाए हैं, लेकिन तो नहीं जा सकते थे, बट वहाँ पे जब भी आते जाते थे तो लोग दे देते थे। यहाँ पर बच्चे अपनी वार्म अप की तैयारी कर रहे हैं साइकिलिंग के लिए। और ये नारियल दिखाई दे रहा आपको, नारियल लगे हुए हैं। और अभी आगे भी है नारियल का पेड़, उसमें भी काफ़ी नारियल दिखाई देंगे। आजकल कंपटीशन का, बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना, प्लस बच्चों को हेल्थ के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति हर जगह एक जागरूकपन चल रहा है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको छोटे छोटे बच्चे जो कि अपनी स्पोर्ट्स की तैयारी हैं। सारे बच्चे साइकिलिंग के लिए एडमिशन ले रखा है, साइकिलिंग स्पोर्ट्स, जिसमें कि आपने देखा होगा रेसर साइकिल को लेकर के, और साइकिल के ऊपर भी हेलमेट लगा करके साइकिल चलाते हैं, तो ये स्पोर्ट्स के लिए होता है। आप में से अगर किसी ने करके देख जा रहे हैं बच्चे, आज मैंने सोचा चलो आज लंबा वीडियो बनाया जाए, लंबा ब्लॉग बनाया जाए। काफ़ी टाइम से मैं लगातार शॉर्ट वीडियो डाल रहा था, आज मैं आप ऐसी जगह आया हूँ, लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जिसमें कि पार्क के अंदर, तो दिखाऊंगा पार्क को। और आसमान में आपको चंदा मामा दिखाई दे रहा, बादलों के अंदर चंदा मामा घूम रहे हैं बादलों में। अभी हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पर पहुँचने वाला है। फिर काफ़ी हद तक सैटेलाइट को भारत खुद अपनी कंट्रोल में कर लेगा। ये पार्क है, इसके अंदर सुबह को लोग PT वॉकिंग करने के लिए पहुँच जाते हैं।
देखो ये आम का पेड़, आम का फूल, पूरा व्यू यहाँ से देख सकते हो आप। वैसे तकरीबन 500 मीटर का, 300 मीटर का है ये एक सर्किल, पूरा ऐसे घूम करके आओ। और उसके बाद यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक और सुबह को अपने एक्सरसाइज योगा वगैरह इसके ऊपर करते हैं। सेंटर में ये बना रखा है छतरी, इसमें भी लोग बैठते हैं। और फिर यहाँ पे अपनी इधर पार्क, काफ़ी अच्छा पार्क है, चारों तरफ से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैं पार्क के अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ जाके करूँगा क्या, आपको बाहर से पूरा व्यू दिखा दिए, पूरा पार्क दिखा दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बारी बार मैं निकल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस पार्क किया हुआ है, ये म्यूनसिपाल्टी का पार्क है, म्यूनसिपाल्टी वाले यहाँ पे सारा देख रेख करते हैं। और पार्क की एंट्री फीस कुछ भी नहीं, फ्री है, फ्री में आओ फ्री में जाओ। यहाँ फिर मौसम दिखाई दे रहा आपको साफ क्लियर, यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। ये कॉलोनी अभी 1-1.5 साल में ही डेवलप हुई, तो चल रहा है काम, लोग बना रहे हैं मकान पे काफ़ी। और शायद देखोगे आप पूरा व्यू, हो गए सुबह अपने साथ आने। ये लोग भी हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं, अभी उनके मॉर्निंग वॉक इनकी भी चल रही, उसके बाद खाना पीना खा करके कहीं पे लेट जाएंगे आराम से। कुछ याद आया, उन्होंने से टर्न बैक कर दिया है, हम चलेंगे सीधे आगे। भैंस को, सिंहों को देखोगे आप, भैंस उसके सींग देख लो आप। यहाँ पे तकरीबन जितनी भी भैंस और गाय हैं, जो लोकल गाय हैं, लोकल भैंस हैं, उनके सींग इस प्रकार से हैं। ये क्या है, ये क्या है, कलर भी क्या रहता है। अब यहाँ पे अंदर किसी भी आ गए, देखते हैं अभी क्या होता है। मैं खामखा डर गया था, ये सारे के सारे अंदर ही गए और वो भाई साहब बैकफुट पे हो गए, जो भौंक रहे थे वो बैकफुट पे हो गए। तो चल रहे हैं मेरे साथ, अभी देखते हैं कहाँ तक आते हैं। इधर भी ये प्लॉटिंग, इधर ये पार्क बन रहा है फिर दूसरा, इस साइड आगे तक पूरा बने। वहाँ पे एक नाला है, उस नाले को ब्लॉक किया जाएगा और नाले को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उस तरफ देख लेंगे आप। इनके भी दर्शन हो गए तो सोच रहे हैं कि पूरा फिर वापस मेन रोड पे, और यहाँ पे मैसूर रेस्टोरेंट बहुत बड़ा मॉल है, इसके अंदर ये मैसूर रेस्टोरेंट
यहाँ फेमस है। यहीं पे आप नर्सरी भी देख रहे हो नीचे, तो घूमते रहते हैं इसके अंदर। और शाम को बहुत भीड़ रहती है। उसी के सामने एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, अभी मैं आपको उसके नज़दीक लेके चलूँगा, देखते हैं। सामने से आता हुआ ऑटो, इससे पहले वो मुझसे टकराए मैं यहाँ से कट मार दूँगा। अभी सुबह का टाइम है, वो सामान चेकिंग कर रहे हैं, सामान लगा रहे हैं, क्या जाना उधर। तो आज मॉर्निंग वॉक का मेरा प्रोग्राम बना, तो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग वॉक भी दिखाई। और रास्ते में जो पार्क था, फैमिली पार्क था, वो दिखाया। एक चीज़ें दिखाना भूल गया हूँ, ये शाम को इधर भी काफ़ी चहल पहल रहती है बच्चों के लिए। और झूला है, जैसे ये कार है, ये घूमती है चारों तरफ। और ये झूला है, तो उसमें लाइटिंग लगा करके फिर शाम को वो चलाते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम पे, और फिर मिलूँगा आप लोगों को अगले ब्लॉग में। सामने जहाँ पर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा, वहाँ पर से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया में राउंड मार के आया हूँ। तो आपको जो जगह इम्पोर्टेंट, मतलब देखने लायक जगह थी, वो जगह दिखाई। पूरा 5 किलोमीटर का नहीं बनाया, तो वहीं पे से बोर्ड से फिर मैं अंदर को चले जाऊँगा। कि अब सी अभी लेटेस्ट खुला है, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे भी। यहाँ पे पार्क सॉरी चौरा है, तो गाड़ी आ रही है बाहर। नंदी महाराज के भी दर्शन हो गए, नंदी महाराज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉगिंग समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। आपको यहाँ पे एक फेमस जैन मंदिर है, वो दिखाने की मेरी बड़ी इच्छा है। चलो उसको दिखाऊँ, तो ये दिखा दूंगा। ग्रोसरी शॉप, चलो दोस्तों अब यहीं पे ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में। ये ब्लॉग आज ही 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मैं अपलोड कर दूंगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Okay.